प्रेम प्रसंग के चलते ही पति ने रची थी लूट व हत्या के प्रयास की झूठी कहानी। रामपुर के थाना अजीमनगर के क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना अजीमनगर पर सूचना दी कि उसकी बहन व बहनोई नरेंद्र पाल मुरादाबाद से घर आ रहे थे कि गांव बहादुरगंज में तीन अज्ञात लोगों ने मारपीट करते हुए उनसे नकदी व कीमती आभूषण लूट लिए। इस संबंध में थाना अजीमनगर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा जांच करने के बाद युवक के बहनोई नरेंद्र पाल को ही खीजरपुर की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर अपनी ही पत्नी को जान से मारने के लिए प्रयुक्त किया गया हथौड़ा तथा लूट दिखाने के लिए छीने गए जेवर व पैसे भी बरामद कर लिए गए। नरेंद्र पाल द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कॉलेज के समय से ही गांव की रहने वाली एक लड़की से उसका प्रेम पसंद था। उसने कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते थे, परंतु उसके घर वालों व रिश्तेदारों ने शादी ग्राम बड़पुरा सामली थाना अजीमनगर की रहने वाली लड़की से कर दी। उसने कहा कि गांव की रहने वाली उस लड़की से वह आज भी प्रेम करता है, इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दे और अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के लिए वह रामपुर अपनी मोटरसाइकिल से ले गया। रास्ते में उसने एक दुकान से हथौड़ा खरीद कर मोटरसाइकिल की बैग में रख लिया और रास्ते में, लेकिन उसे कहीं भी मौका नहीं मिल पाया, इसलिए उसने पत्नी को गांव के पास खेत देखने के बहाने ले गया और वहां पर मौका पाकर हथौड़े से अपनी पत्नी के सर पर पीछे से कई वार किए। उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वह मर चुकी है। उसने वहीं आम के बाग से कुछ दूर जाकर घास में हथौड़ा तथा अपनी पत्नी के जेवर भी झाड़ियों में छुपा दिए। उसने कहा कि मैंने वहीं खड़े होकर अपने ससुर को फोन बताया कि हम खेत देखने के लिए आए थे, यहाँ पर तीनों बदमाशों ने लूट लिया और मेरी पत्नी को सरियों से बहुत मारा। इसके बाद मेरे घर वाले परिजन भी वहाँ आ गए और उपचार हेतु उसे अस्पताल ले गए। पुलिस ने कहा कि प्रेम पसंद के चलते युवक ने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने के नियत से ये सारा षड्यंत्र रचा था। थाना अजीमनगर क्षेत्र में एक मुलजिम पकड़ा है, क्या मामला है इसे? दिनांक 22/7/2020 को बड़पुरा सुमाली के एक व्यक्ति ने थाना अजीमनगर पर सूचना दिया कि उसका बहनोई जो लगभग 40 दिन पहले भी उसने शादी की थी, उसकी बहन को लेकर के जनपद मुरादाबाद से ससुराल बड़पुरा सुमाली आ रहा था। रास्ते में तीन बदमाशों ने घेर करके उसकी बहन के साथ लूटपाट की और उसके सर पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसकी बहन इस सूचना पर थाना अजीमनगर में अभियोग पंजीकृत हुए। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और बादी का बहनोई जो अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा था, जिसके साथ घटना हुई थी, उससे पूछताछ में उसके चेहरे का हाव भाव और बार बार उसका बदलता हुआ वर्जन कहीं न कहीं पुलिस को संदेह की ओर ले जा रहा था। लड़की का इलाज हुआ। इलाज के बाद जब लड़की होश में आई तो उसने पूरा कथानक बताया कि किस तरह से मायके से उसका पति दवा दिलाने के लिए रामपुर ले आया, यहाँ से ससुराल से मायके के बहाने रामपुर ले आया, दवा दिलाने के बाद जब इधर से जा रहा था तो उसने कहा चलो तुम्हारा खेत देखते हुए घर चलेंगे और इस बहाने ले जाकर के वहाँ सुनसान बगीचे में उसके साथ इस तरह से उसने घटना की। पहले से ही पुलिस को डाउट था और बगीचे में एक लड़का मिल गया, छोटा सा बच्चा है, जिसने ये बताया कि उस दिन इस तरह से उसने कुछ चीज़ें देखी थी, जिससे पुलिस को और पुष्टि हो गई। और जब बादी के बहनोई को ही गिरफ्तार किया गया तो लड़की के सर पर जिस हथौड़े से वार किया गया था वो घटनास्थल के पास बगीचे में ही घास में छिपा हुआ मिला,
जिस ज्वेलरी बैग रुपए की लूट वो बता रहे थे वो सब उसकी निशानदेही पे मिल गई। इस तरह से ये घटना लूट की ना होकर के अपनी ही पत्नी की हत्या और पुलिस को गुमराह करने की दायरे में आया, जिससे 394 की जगह पुलिस ने इसे 307 203 IPC में तर्मीन करके विवेचना शुरू कर दी है। पूछताछ में उसने यह भी स्वीकार किया कि गांव की ही लड़की से उसका एक प्रेम प्रसंग है, उसी से वो शादी करना चाहता है, घर वालों ने जबरदस्ती अन्यत्र शादी कर दी थी। इस नाते हमने तय किया कि पत्नी को रास्ते से हटा कर उस लड़की के साथ शादी करें। इस तरह से ये विवाह पूर्व चल रहे प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए नव विवाहिता, जिसको अभी शादी के 40 दिन भी नहीं हुए थे, उसकी हत्या करने का प्रयास था और उसे लूट के रूप में प्रदर्शित करके अपने को बचाने का भी प्रयास था। इस नाते पुलिस इसमें 307 203 IPC में विवेचना कर रही और माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सहित इस पूरे विवरण को प्रस्तुत किया गया।